महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि श्रोतम सर्वभयापहम सर्वकाम प्रदम नृणाम हनुमत श्रोतमुत्तमम तप्त कांचन संकाशम नानारत्न विभूषितम उद्यदालार्क वदनम त्रिनेत्रम कुंडलोज्ज्वलम मोजीकोपीन संयुक्तम हेमयज्ञोपवीतिनम पिंगलाक्षम महाकायम टंकशैलेन्द्रधारिणम शिखानिक्षिप्त वालाग्रम मेरुशैलाग्र संस्थितम मूर्तित्रयात्मकम पीनम महावीरम महाहनुम हनुमंतम वायुपुत्रम नमामि ब्रह्मचारिणम त्रिमूर्त्यात्म कमात्मस्थम चपाकुसुम सन्निभम नानाभूषण संयुक्तम आंजनेयम नमाम्यहम पंचाक्षरस्थितम देवम नीलनीरत सन्निभम पूजितम सर्वदेवेश्च राक्षसांतम नमाम्यहम अचलद्युति संकाशम सर्वलंकार भूषितम षडक्षरस्थितम देवम नमामि कपि नायकम तप्त स्वर्णमयम देवम हरिद्राभम सुरार्चितम सुंदरम साब्ज नयनम त्रिनेत्रम तम नमाम्यहम अष्टाक्षरदीपम देवम हीरवर्ण समुज्ज्वलम नमामि जनता वंद्यम लंका प्रसाद भंजनम अतसी पुष्प संकाशम दशवर्णात्मकम विभुम जटाधरम चतुर्बाहुम नमामि कपि नायकम द्वादशाक्षर मंत्रस्य नायकम कुंत धारिणम अंकुशम च दधानम च कपीवीरम नमाम्यहम त्रयोदशाक्षर युतम सीता दुख निवारिणम पीतवर्णम लसत्कायम भजे सुग्रीव मंत्रिणम माला मंत्रात्मकम देवम चित्रवर्णम चतुर्भुजम पाशाकुशा भयंकरम धृतटंकम नमाम्यहम सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तमं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः ओम इति उमा संहितायाम् आंजनेय स्रोतम्। सभी को सुप्रभात। मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? प्लीज़ कोई बता दीजिए, क्योंकि इसमें आज माइक में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, पता नहीं कैसे। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है? अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच प्रीत जी, क्योंकि आज इसमें मेरे माइक में पिंक कलर हो गया। सुबह वाइट सा था, अब पिंक सा हो गया, और हमेशा तो पता नहीं ग्रीन सा रहता है, तो अब समझ नहीं आ रहा है इतने कलर्स क्यों चेंज कर रहा है मेरा माइक। तो थैंक यू, और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सुनील सराफ जी, के सनातनी जी, गिरीश त्यागी जी, सिंपली अ मैन जी, आप सभी को राम राम। तो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे इसकी, उसी का पार्ट टू करके मैंने उसी को थोड़ा सा डिफरेंट थंबनेल बना दिया है, गोल्ड डिगर, क्योंकि यही निष्कर्ष हमने निकाला था लास्ट टाइम कि ये सब ब्रह्म कुमारियाँ जो हैं ये गोल्ड डिगर्स हैं। ये हमने निष्कर्ष ऐसे निकाला कि एक बहुत ही फेमस एक्स हिंदू नॉन मुस्लिम, एक्स हिंदू क्या होता है ये नहीं समझ में आया मुझे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये एक्स हिंदू का क्या मतलब है। हिंदुइज्म तो इतना लिबरल है कि आप जो है वो एथिस्ट, जो लोग नहीं ईश्वर में विश्वास करते वो भी हिंदू, उनको निकलना, या उन पर जब कुछ बाध्य ही नहीं है तो वो तो निकलने का सवाल ही नहीं होता उसमें से। तो जो ये जो कल्ट है बाकी उनमें से निकला जाता है तब हम एक्स लिखते हैं। तो सनातन धर्म में तो
चाहे आप किसी चीज़ को भी माने उससे क्या समझ में आता है। और नाउ मुस्लिम यानी कि अब आप कुटिल पथ पर आ गए हैं, तो आप अगर पैनल पे आएंगे तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगी, एक्स हिंदू नाउ मुस्लिम जो भी आप हैं। फ्लावर गार्डन जी राम राम, के सनातनी इंदिरा जी राम राम। अच्छा ये सच्चा मुस्लिम है, ओहो तो इसको नाम बदल के आने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इसने मेरे लिए एक बहुत गंदा वीडियो बनाया था और इसलिए ये जो है अब नाम बदल के आ गया है जी। तो इंदिरा जी मैं थोड़ा सा आज का कर दूंगी और एक घंटे बाद फिर शायद देखते हैं आप कर लेना अगर तो। मैं सच्चा मुस्लिम नहीं हूं तो अपना असली नाम क्यों नहीं लिख के आते हो। तो हाँ मैं आपको ये बता रही थी कि एक प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। मैं लास्ट टाइम का अपडेट दे देती हूँ जल्दी से कि जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो उसमें जो पायलट है एरिक सॉफर और उनकी जो ब्रह्म कुमारी संस्था में थोड़े समय के लिए जुड़े थे पर उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन इतने थोड़े समय में 6 महीने जुड़े हुए टोटल, इसी में उनकी वशीभूत करके पूरी विल पूरी एस्टेट लिखवा ली इन ब्रह्म कुमारियों ने। और इसके बाद वो एक लड़की से मिला इजाबेला नाम की लड़की से और उससे उसने ये नहीं पक्का पता कि शादी करी कि नहीं, पर उसके साथ उसके फिजिकल रिलेशनशिप थे और वो लड़की भी उसी के माँ बाप के संग उसकी एस्टेट पर रह रही थी और वो उसकी को पायलट थी। तो दोनों और 100 लोगों का भी उससे ऊपर लोगों की मृत्यु हो जाती लेकिन उन्होंने फटाफट लैंडिंग कर दी और इससे सारे लोग बच गए। केवल 5 लोगों की मृत्यु हुई लेकिन जो पायलट और को पायलट हैं हस्बैंड वाइफ सो कॉल्ड फिजिकल रिलेशनशिप से, ये दोनों की जो है वो उसी वक्त दुर्घटनाग्रस्त में ये लोग मर गए। और तुरंत ही जो ये बीके वाले लोग हैं इनका जो लाइसेस्टर में जो इनका केंद्र है उसमें इनका अकाउंटेंट है कोई संजय तुलसीदास नाम का और वहाँ पर सिस्टर जयंती भी है, वो फौरन वहाँ पे पहुँच गया। पहले पड़ोसियों ने बताया कि वो वहाँ पर ताका झाकी कर रहा था ये देखने को कि कोई और विल बनी है कि नहीं। तो अब देखो कि इनके माँ बाप जो बूढ़े हैं ये बेचारे तो वहीं रहते थे लेकिन, और इसकी जो इजाबेल की बहन है वो भी गर्भवती है लेकिन इन्होंने परिवार के किसी भी सदस्य की कोई परवाह नहीं करी बल्कि वकीलों पे वकील भेजते रहे और इनके लोगों ने बोला कि चलिए आइए बैठ के बात कर लेते हैं, तो वो बात भी नहीं करने के लिए ब्रह्म कुमारियाँ आना चाहती थी, बस वो तकाजा करने पहुंच गए जबकि शव की शिनाख्त नहीं हुई थी। तो ये वहां पहुंच गए कि पूरी एस्टेट जो है हमारी है। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने brahmakumari.info पर लिखा जो मैंने आपको दिखाया था कि इन्होंने इनकी पूरी संपत्ति जो है वो हड़पने की कोशिश करी और इनके जो प्यार करने वाले लोग हैं उन्होंने इस पर एक ब्लॉग लिखा है और तस्वीर में फिर से इनकी एक सेकंड के लिए शेयर कर देती हूँ दोबारा से जो मैंने पिछले स्ट्रीम में दिखाई हुई है। वैसे तो ये है एरिक सॉफर और ये इनकी जो है वाइफ है इजाबेला लेचोविक्स, तो ये दोनों हैं। तो ये जो है ये वहाँ पर पहुँच गए वहाँ पर इनकी पूरा एस्टेट लेने। अब इनके लोग तो कहते हैं और इनका $1 मिलियन का घर भी है, $1 मिलियन का तो केवल घर है लेकिन ये तो पूरा एस्टेट यानी सामान समेत सब कुछ, यानी इस बेचारे के माँ बाप कहाँ जाएंगे क्या होगा तो ये भी नहीं। अच्छा और इसका बताया है कि यूके में जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं उनके पास $16 मिलियन की संपत्ति है और बैंक में है और 5,300,000 की तो कैश है उसमें से और ब्रिटिश सरकार ने जो है इनको सहायता में £460,000 भी दिए हैं। ये सारी संख्या जो है वो डॉलर में नहीं पाउंड में है। और वैसे तो ये सिस्टर जयंती बोलती है कि 2-3 साल में दुनिया ख़त्म होने वाली है लेकिन ऐसे ये लोग पैसों के पीछे ऐसे भाग रहे हैं क्योंकि अंदर से ये सब लोग जानते हैं कि दुनिया नहीं ख़त्म होने वाली, ये खाली आपको सुनाने के लिए बोलते हैं दुनिया ख़त्म होने वाली है। क्योंकि अगर ऐसा है तो ये लोग इतना जो है पैसों के पीछे क्यों हैं।
और फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी एक डॉक्टर का इन्होंने एग्जाम्पल बताया है कि वो भी इन्होंने 2015 में एक डॉक्टर है जो जिसका घर जो है ले लिया कि हम यहाँ पर गीता पाठशाला शुरू करेंगे, लेकिन जब इनका हनीमून पीरियड खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि अब तू निकल जा इस घर से, और उसको बड़ा अपमानजनक लग गया तो उसने सिटी भी छोड़ दिया। यानी कि ये लोग इसके बाद ऐसे बन जाते हैं जैसे कि अजनबी हैं और आपको किकआउट करने में इनको 2 सेकंड नहीं लगेंगे। अगर आप कितने भी ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी रहे हैं पहले, तो इन लोग उसको कोई भी परवाह नहीं करेंगे। और सतीश जी भी जुड़ रहे हैं तो मैं सतीश जी का स्वागत करती हूँ। सतीश जी आपका बहुत स्वागत है चैनल पे, और अभी आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है लेकिन अब कनेक्ट हो गया है। जय श्री राम प्रीति जी। जी मैं लास्ट टाइम का थोड़ा सा वो बैकग्राउंड बता रही थी। वो प्रीति जी मैं बोल रहा था, ये जो मैंने उसकी बात करी थी ना, जो शिवानी के बारे में जो बात करना चाहती है आपसे, वो अभी जुड़ना चाह रही है, वो आप उसको लिंक भेज सकते हैं क्या अलग से, या इसी लिंक में आ जाएगी वो? अच्छा, वो सविता जी जो है? नहीं नहीं, सविता जी नहीं, नवल करके है जिसने शिवानी के साइकिक अटैक को सहन किया है ना। अच्छा अच्छा, वो आ रही है, तो यही लिंक भेज दूंगा उसको। आप बताओ, कल नहीं आ सकती ना, आज ही उसका कर लेते हैं पहले। अभी अभी आज उसका इंट्रो ले लीजिए, फिर टाइम फिक्स कर लेंगे। नहीं, उसी का आज कर लेते हैं, मैं इसका थंबनेल चेंज। फिर तो बहुत अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक है, तो बुला लीजिए बुला लीजिए। हाँ, उसको यही लिंक दे दूं मेरे को जो दिया आपने? हाँ हाँ, दे दीजिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना सतीश जी, मुझे जी, आप जैसे उनको बोलिए 10 मिनट्स में ज्वाइन करें, मैं 10 मिनट में ना इसको खत्म कर लेती हूँ, जो मेरा ये वाला ना एक पैराग्राफ रह गया था। तो अगर आप मुझे 15-20 मिनट दे दें, 15-20 मिनट में वो इसी लिंक पे ज्वाइन कर लें। ओके ओके, मैं बाद में मैं क्या करूंगी कि इस वीडियो या एक और लिंक भेजूँ आपको, मेरे को खाली 15-20 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं एक और लिंक भेजती हूँ आपको। ओके ओके, ठीक है, मैं उससे बात कर लेता हूँ तब तक। हाँ ठीक है, तो मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ तब तक। जी जी, हाँ, तो मैं फिर अभी जो है आपको ये दिखाना चाहती हूँ, तो लेट्स गेट इसमें गोइंग। तो यहाँ तक हमने सारा देख लिया था कि ये लोग जो हैं किस तरह से धन ले लेते हैं, और ये बहुत छोटा सा स्ट्रीम है, मैं आधे घंटे का ही करूँगी। और ये लोग जो हैं वो सब ऐसे लोगों को तलाशते हैं जो मरने वाले हों, तो मैं एक सेकंड और बता दूं, तो ये लोग ऐसे लोगों को तलाशते हैं जो अमीर हों और मरने वाले हों, ताकि उनकी संपत्ति जो है ये लोग ले लें। और ये लोग मृत्यु का जो है वो भी उपयोग करते हैं, और इन्होंने उनका जो शव है वो ऐसे ही, अगर कोई इंडिया में मतलब इंडियन हो तो उसका शव भी नहीं लेकर आते, वहीं आनन फानन में फटाफट उसको सबसे लीस्ट उसमें जला देते हैं वहाँ पर। तो यहाँ बड़े बड़े इंसिनरीज हैं, वहाँ पर जला देते हैं, यहाँ पर लो कॉस्ट, क्योंकि कॉफिन वगैरह खरीदने में तो और भी टाइम लगेगा। तो ये लोग, तो ये एरिक वगैरह, ये तो वीगन थे, और इन्होंने इनके घर के लोगों को भी नहीं ये लोग बुलाते, जैसे कोई मान लो ब्रह्म कुमार मर जाए तो ये उसके परिवार वालों को भी सूचित नहीं करते हैं। और वैसे ये जुड़ गई हैं, तो सिस्टर अवी जी आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार। आप एक्स बीके हैं या बीके हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, तो मैं जल्दी से यहाँ पर आगे पढ़ देती हूँ और ये खत्म करती हूँ। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि ये लोग गोल्ड डिगर्स हैं, और ये लोग अंदर से जानती हैं कि ये दुनिया जो है 2-3 वर्षों में नहीं यहाँ तक हम पहुंचे थे। तो ये कह रहे हैं कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि जब दुनिया, ये स्ट्रीम हो रहा है ना, हाँ, जब दुनिया 2-3 वर्षों में नष्ट होने वाली है, तो ब्रह्म कुमारी इस ग्रामीण इलाके में एक हवेली के नवीनीकरण पर
एक हवेली को रेनोवेट में $6 मिलियन $6 मिलियन से ज्यादा क्यों खर्च कर रहे हैं? तो खुद बी के इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि 2-3 वर्षों में दुनिया नष्ट हो जाएगी, और वो नहीं, वो इन मुरलियों पर विश्वास करते हैं जिनको कई बार संशोधित किया जा सकता है। बस ये अज्ञानी और भोले भाले लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए इन मुरलियों को यूज करते हैं, खुद ये इसमें भी नहीं विश्वास करते। और इनकी पिरामिड योजना है ये, एक आपने देखा होगा जो सबसे ऊपर है उसको सबसे ज्यादा इसमें आनंद मिलता है। तो और एक और भी बात है, इनकी दान वेबसाइट पर एक स्थान पर नवीनीकरण के लिए $5 मिलियन लिखा है और दूसरे स्थान पर $6 मिलियन बताया गया है। एरिक की संपत्ति जो है यहीं जाने वाली है। मुझे आश्चर्य है कि सिंधी परिवारों को क्या जीत जीत यानी विन विन सौदा देने जा रहे हैं। शायद उनके हवेली के मैदान में एक टाइम शेयर कॉटेज जिसमें वे जितना चाहें उतने मुफ्त रिट्रीट के साथ। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आंतरिक सर्कल ने विनाश में विश्वास करना बंद कर दिया है। खुद को इतनी सारी विफलताओं को देखा है सिवाय उनकी इसकी कमाई की शक्ति पर विश्वास करने के। यहाँ सिस्टर जयंती वर्तमान जाने के बहाने स्थापित कर रही है। बाबा ने अच्छा, जब इनसे बोलो कि अभी तो आपकी प्रलय नहीं आई है, तो सिस्टर जयंती क्या कहती है कि बाबा ने कोई तारीख नहीं बताई है, जो कि एक झूठ है, शब्दों के खेल पर है ये लोग कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात क्या कहती है, कोई है ये दावा करती है, उसे नहीं पता कि किसने गलत व्याख्या की, क्योंकि इसमें बाबा की गलती नहीं है पर बीके की गलती है। और इसका धूर्त तर्क है ये, जो कि कपटपूर्ण है और भ्रामक है। वह एक उचित तर्क देती है कि ऐसी भविष्यवाणियां विभाजन के दौरान हुई थी जब भारत में रक्तपात हुआ था। तो ये भी, और वे 800 किलोमीटर दूर पंजाब में घटित हुए हैं, सिंध में नहीं हुए, बल्कि वो 800 किलोमीटर दूर पंजाब में घटित हुए हैं। अच्छा, वो आम तौर पर पंथ यानी जादुई दावे करते हैं कि बीके को उनकी शुद्धता के कारण अकेले छोड़ दिया गया था, लेकिन सरल ऐतिहासिक तथ्य यह है कि ऐतिहासिक निकटता के कारण मुस्लिम सिंधियों द्वारा किसी भी हिंदू सिंधी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, और ऊपर से नीचे जिन्ना और खुहरो पाकिस्तान की आजादी के बाद इसके मुख्यमंत्री मुस्लिम नेताओं ने एक ऐसे पाकिस्तान की परिकल्पना की थी जहां इसकी अल्पसंख्यक बने रहें और विशेष रूप से उनकी रक्षा की। सीधे शब्दों में कहें तो वे अपने व्यापारियों, बैंकरों और सफाई कर्मचारियों को खोना नहीं चाहते थे। कराची का स्वच्छता विभाग आज भी हिंदुओं द्वारा चलाया जाता है, यानी कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है हिंदुओं को इसलिए रखा जा रहा था क्योंकि उनकी सफाई करने के लिए यानी कि क्लीनिंग पर्पसेस के लिए हिंदुओं को यूज किया जाता था। तो आगे यह सिस्टर जयंती की बकवास बात करने की कला का एक अध्ययन है, और स्पष्ट रूप से झूठ बोलना एक प्रशंसनीय तरीका है। बहन जयंती 1980 के दशक की शुरुआत में 2-3 साल में विनाश की भविष्यवाणी को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक निर्विवाद श्रीमत दाता के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग कर रही थी। जब उस समय साकार मुरली ने कहा विनाश के लिए 50 वर्ष यानी 1986 और सृजन के लिए 50 वर्ष, वह स्वयं ही इस प्रकार अनुवाद करती थी, यानी उन्होंने अपने ही मुंह से जो है प्रलय की डेट बताई, सब कुछ बताया। जब पर जब बोलने आए कि जब प्रलय हुई ही नहीं, तो फिर ये बहाने बनाने लगी और कहने लगी कि कुछ लोगों ने अनुवाद गलत कर दिया है, और जो है लेखराज बाबा तो गलत नहीं थे लेकिन लोगों ने इसकी व्याख्या गलत कर दी है, ऐसे ऐसे ऊटपटांग तर्क देती रही, जबकि उसका अनुवाद उसने खुद करा था। पुनः बहन जयंती ने जयंती और यहाँ मृतक एंथोनी स्ट्रानो का वीडियो दोनों इस वेबसाइट के एक्सपोज को नुकसान सीमित करने के प्रयास के रूप में तैयार किए गए थे। स्ट्रानो ने फिर से एक ऐसा बहाना पेश किया जो बाहरी लोगों के लिए विश्वसनीय लगने वाला बहाना प्रतीत होना चाहिए कि फिर से यह सब अनुयायियों की गलती थी, ये गलत व्याख्या थी। तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे कुछ वीडियोस बनाए हैं और इस मुद्दे को टाल देते हैं। पहली पोस्ट में बीके को परिवार के ईमेल में उल्लेख किया गया है कि एरिक स्वफर ने 2015 में एक नई वसीयत बनाई थी ताकि वह किसी पिछली वसीयत को बदल दे। दूसरे, मैं समझता हूं कि यूके में भी ऐसे कानून है जो पंथ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी कानूनी दस्तावेज को पलट सकते हैं यदि ऐसा माना जाता है कि वे मनोवैज्ञानिक दबाव के तहत थे।
यही कानून बुजुर्गों, विकलांगों, कर्मचारियों, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जिसे किसी एक ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आकर चालाकी से की जा सकती है जिसे वे मनोवैज्ञानिक रूप से अपने से अधिक शक्तिशाली और आधिकारिक के रूप में स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए साइंटोलॉजिस्ट सी आर्ग समूह, जहां से 10,000 वर्षों या 10,000 जीवन कालों या कुछ और के लिए सभी प्राधिकारों पर हस्ताक्षर किए हैं। बीके के पास बहुत गहरी जेबें हैं और वे किसी भी वसीयत को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन पोस्ट के एक सिलसिले में पर्याप्त सबूत हैं जो दिखाते हैं कि बीके कैसे काम करते हैं, जो किसी भी न्यायाधीश को उनके लालची इरादों के बारे में आश्वस्त कर देगा जब तक कि परिवार भगवान के सफाई कर्मियों के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है। क्या यह आपको बीके युगल जैसा दिखता है? मतलब कि ये जो एक अभी बात कही साइंटोलॉजी की, तो ये भी एक कल्ट है साइंटोलॉजी का, और आप अगर टॉम क्रूज को जानते हैं तो वो भी इसका मेंबर है। तो मेरे हस्बैंड ने शुरू शुरू में जब मैं इस्लाम पे बोलती थी तो वो कहते थे तुम साइंटोलॉजी पे क्यों नहीं बोलती, तब मुझे इतना पता नहीं था साइंटोलॉजी का। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि जो उनका ओनर है उसकी वाइफ छोड़ना चाहती थी साइंटोलॉजी, तो ओनर की वाइफ को ही किडनैप कर लिया गया और वो किसी को भी कल्ट से बाहर निकलने नहीं देते हैं साइंटोलॉजी का जो कल्ट है। तो खैर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि क्या आपको ये बीके युगल जैसा दिखता है, क्योंकि देखो जब ये एरिक जो पायलट था ये ब्रह्म कुमारी संस्था में आया तो इसके 6 महीने के बाद इसने संस्था छोड़ दी और इसको एक लड़की मिल गई और इसने अपना ब्रह्मचार्य वगैरह सब तोड़ के और उससे फिजिकल रिलेशनशिप करके परमानेंट रह रहा था, अपने घर में उसको रख रहा था। तो ये कोई ब्रह्मचारी नहीं था, ना वो ब्रह्मचारी थी। तो ये कोई भी अभी के युगल जैसा दिखता नहीं है। तो क्या ब्रह्म कुमारियां अब कहीं भी किसी से भी पैसे ले रही हैं? पहले तो ये कहती थी पैसे अशुद्ध हैं, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वे कितने भी देह अभिमानी या अशुद्ध क्यों ना हो। बहुत समय पहले मुझे यह एहसास हुआ कि नेता ऐसे नियम बनाते हैं जिन्हें वे जब चाहे तोड़ देते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सारा पैसा, संपत्ति और शक्ति उनके भीतर केंद्रीकृत हो। नियम आध्यात्मिक होने के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्ति की रक्षा और उसे बनाए रखने के लिए है। मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका का वह मामला याद है जिसने मेरे लिए इसकी पुष्टि की, जहां एक स्थानीय केंद्र प्रभारी ने एक स्थानीय व्यवसाय को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने स्थानीय केंद्र को $10,000 का बड़ा दान दिया केवल बिग मोहनी के लिए न्यूयॉर्क से उड़ान भरने और पैसा हड़पने के लिए, केवल इसलिए कि वह फिर कभी दिखाई न दे। किसी को नहीं पता इसका क्या हुआ। जाहिर तौर पर इसका इस्तेमाल इसे बचाए रखने के लिए किया गया था और स्थानीय सिस्टर को दाता का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया था। मैं समझता हूँ वह टूट गई थी और कुछ समय बाद चली गई। तो ये लोग खूब पैसा खर्च देते हैं अगर इनको जो है प्रभाव डालना हो। तो इसने देखो न्यूयॉर्क से एक उड़ान भरने के लिए, मतलब पैसा हड़पने के लिए, इन्होंने इनको $10,000 का दान भी दिया। पुरानी है ये 1994 में। अच्छा बस इतना ही था। तो बस मुझे यही कहना था कि ये लोग गोल्ड डिगर्स हैं और ये लोग इस तरह से लोगों का पैसा हड़पती हैं। सिस्टर अवीजी आपका बहुत स्वागत है, अब बोलिए कुछ। पहले तो आपकी आवाज नहीं आ रही, तो मैं इस वीडियो को ही दो में बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ बोलिए। आपके माइक नहीं लगा, हेडफोन नहीं लगे, ऑन कर दीजिए उसको, ऑन कर दीजिए, शायद ऑन नहीं है, वॉल्यूम अप कर दीजिए। अभी बोल के देखिए, मैं ऐसा करती हूँ सिस्टर अवीजी, आपको एक और लिंक देती हूँ, आप उस पर आइए। मैं सतीश जी को एक लिंक दे देती हूँ, आप उस पर आ जाइए। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं एक और लिंक देती हूँ आप। तो आप सब लोगों को मैं यही बताना चाहती थी कि आप ये बताइए, जब 2-3 साल में दुनिया खत्म होने वाली है, प्रलय आने वाली है, तो ये इतने मिलियन पाउंड का रेनोवेट करवा रही हैं अपन बंगला,
तो ये क्यों करवा रही हैं यूके में जो बंगला है ये रेनोवेट करवा रही हैं, तो जब ये 2-3 साल में प्रलय आने वाली है तो इतना इतना पैसा क्यों खर्च रही हैं ये, और ये इतनी ज्यादा गोल्ड डिगर है कि कोई भी अमीर व्यक्ति है, पहले तो ये कहती थी कि पैसा इन लोगों से लेना नहीं चाहिए, इनका तो खाना भी नहीं चाहिए, ये तो बीके वालों लोग तो शुद्ध हैं, ये तो अशुद्ध हैं, लेकिन ये पैसा हर जगह से ले लेते हैं। और जब इनसे वहां पर चंदा करने की बात आई तो इन्होंने कहा हम अपना प्रकाश और प्यार भेजते हैं, एक पैसा चंदे के लिए नहीं दिया इन्होंने। तो ये लोग इस तरह की हैं। और जब कोई मरता है तो जैसे ऑर्गन डोनर के कलेक्शन के लिए लोग आ जाते हैं ना, ऐसे ये लोग आ जाती हैं। तो बस मुझे इतना ही बोलना था इसके एंड में, ये जो पार्ट टू मैंने इसका किया था जो दुर्घटना हुई थी पायलट वाली, तो मैं इस स्ट्रीम को समाप्त करके एक और स्ट्रीम अभी ही खोल रही हूँ, और वो सिस्टर अवी के साथ। राम राम। 5 मिनट में मैं वो स्ट्रीम स्टार्ट कर रही हूँ। इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। राम राम।